Hello students, now in previous video I give you the reading and explanation of lesson number 8, Robin Hood and the Sheriff, and read and learn word power question 2 AB we have already done. Now today we start our comprehension 3 A, answer these questions. Now we go to the first question, why were the sheriff feared? Question is, लोग शेरिफ से क्यों डरते थे? द आंसर इज द शेरिफ्स वर फियर्ड बिकॉज दे वर इग्नोरेंट मैन एंड वुड हैंग अ मैन ऑन लिटिल और नो एविडेंस. इसलिए डरते थे स्टूडेंट्स क्योंकि जो शेरिफ थे वो इग्नोरेंट मैन को और जिन्होंने कुछ थोड़ा सा भी कुछ भी किया हो तो उसमें बिना एविडेंस के उनको हैंग कर देते थे. सेकेंड, Who were called outlaws? Outlaws किन्हें कहते थे? Answer is, when a man feared some punishment from the sheriff, he would run away to the forest. In the forest, he would join company of other men who had come there like him. Such men were called outlaws. Sheriffs के fear से और punishment के डर से लोग जो जंगलों में भाग जाते थे और वहां पर उन्हीं के जैसे कई लोगों की जो कंपनी थी उन्हें आउटलॉज कहते थे. हाउ डिड द आउटलॉज मेक देयर लिविंग? क्वेश्चन नंबर 3, आउटलॉज जो थे वो अपनी लिविंग कैसे चलाते थे, अपना जीवन यापन? आंसर इज दे मेड देयर लिविंग बाय हंटिंग डियर एंड बाय रॉबिंग ट्रेवलर्स ऑन द हाईवेज. तो वो अपनी लिविंग जानवरों को मारकर, डियर्स को हंट करके और जो हाईवे पे जितने भी यात्री जाते थे, ट्रैवलर्स जाते थे, उनको लूट कर करते थे. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज रॉबिन हुड अ टेरर टू द रिच? रॉबिन हुड अमीरों के लिए एक डर का काम कैसे करते थे, टेरर कैसी थी, दहशत? आंसर, रॉबिन हुड वाज अ टेरर टू द रिच बिकॉज He robbed the rich and helped the poor. इसलिए क्योंकि रॉबिन हुड जो थे वो अमीरों को लूटकर और गरीबों की मदद करते थे. Next, how did the sheriff show that he really wanted to catch Robin Hood? Sheriff किस तरह से अपने आप को शो करते थे कि वो असली में रॉबिन हुड को पकड़ना चाहते हैं? The answer is, the sheriff one day declared in the hearing of many people, he was willing to give half his wealth to anyone who helps him to catch Robin Hood. उन्होंने एक दिन declare किया बहुत सारे लोगों के बीच में कि जो भी उनकी Robin Hood को पकड़ने में मदद करेगा वो उसे अपनी आधी वेल्थ दे देंगे, अपनी आधी कमाई दे देगा. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज रॉबिन हुड गोइंग टू द टाउन फॉर? रॉबिन हुड टाउन में क्या करने जा रहा था? आंसर इज ही विल गो टू द टाउन एंड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम. हु इज हिम इन दिस सेंटेंस? He means the sheriff. He will go to the town and give the sheriff an opportunity to meet him. वो टाउन जाकर शेरिफ को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका देना चाहते थे कि वो उन्हें पकड़ सके. Next question, how did Robin Hood get into the disguise of a butcher? Robin Hood ने कैसे अपने आप को एक बुचर में डिस्गाइज किया, वेश बदला एक बुचर का? Answer, Robin Hood put on the butcher's apron and took the load of meat to the town. Robin Hood ने बुचर का apron लिया और meat का पूरा load लेकर वो town की तरफ गए अपने आप को disguise करने के लिए. Now in question number 8, why didn't the sheriff allow Robin Hood to pay for the food and drink? कि शेरिफ ने रॉबिन हुड को क्यों नहीं अलाउ किया फूड और ड्रिंक का पेमेंट करने के लिए? आंसर इज
The sheriff did not allow Robin Hood to pay for the food and drink because he was the host of that night. शेरिफ ने रॉबिन हुड को इसलिए अलाउ नहीं किया फूड और ड्रिंक का पेमेंट करने के लिए क्योंकि उस रात का होस्ट जो था मेजबान जो था वो शेरिफ ही था. सो स्टूडेंट्स दीज आर द आंसर्स ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन नंबर 3A. सो यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक एंड ट्राई टू लर्न इट.